हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोनली एट द रेट एक्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में ऐसे दो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप ओनली 5 सेकंड में PNG फोटो HD क्वालिटी में बना सकते हैं आसानी से। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप लोग जानते हैं PNG इमेज कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल बनाने में, यूट्यूब बैनर बनाने में, यूट्यूब लोगो बनाने में PNG इमेज का ज़रूरत होती है, या अपने फ़ोटो में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए PNG इमेज का ज़रूरत होती है। दोस्तों, जिसकी जैसे ज़रूरत रहेगी उसी तरीके से PNG इमेज का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्रोम में आने, क्रोम में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है PNGIMG.com। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सिंपली बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, एनिमल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे की तरफ भी आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रूट का ऑप्शन मिल जाएगा, फूड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से जिस भी इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमल्स में अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पर एनिमल्स को से डाउनलोड कर सकते हैं, नेचर का कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बैम्बो का ही एक बैम्बो को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको बैम्बो पर क्लिक करना है, क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपको नीचे में आना है, नीचे में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे पिक्सल मिल जाएगा। तो आपको जिस भी PNG को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको उसी को, जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, तो इसका ऊपर सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर हाथ फेर कर रखना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, तो सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा जो है सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं ओपन करके दिखा दूँ किस तरह से आता है। ये जो है पूरी तरह से बैकग्राउंड जो हट चुका है और PNG में ये हो चुका है। तो उसके बाद मैं दूसरे वेबसाइट की बात करूँ तो आपको सिंपली क्रोम में ही सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में ही रिमूव इमेज बैकग्राउंड पर आपको फिर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड इमेज, तो सिंपली आपको अपलोड इमेज पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या PNG में करना चाहते हो उस फोटो को आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं इस फोटो का बैकग्राउंड से इस करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इस करना है। तो सिंपली इस फोटो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको डन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लगेगा, लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए जो फोटो का जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से हट चुका है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए तो सिंपली आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये जो है पूरे PNG फोटो में हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आते हैं। तो ये देखिए अभी जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हट चुका है, पूरी तरह से हट चुका है। तो आप इसी तरीके से आप अपने फोटो में बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं या PNG में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो इतना ही।